गर्ल्स हॉस्टल में कत्ल की एक ऐसी साजिश हम आपको बता रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। प्यार में नाकाम एक सिरफिरे आशिक ने कत्ल का एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए। लड़की के भेष में यह कातिल गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हुआ और उसने चाकुओं से वार कर कॉलेज की छात्रा को मौत के घाट उतार दिया। हाथ में बैग, बैग में चाकू, बैग में तेजाब और गर्ल्स हॉस्टल में कत्ल की सबसे सनसनीखेज वारदात। हाथ में चाकू लिए लड़की के वेश में कातिल गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुआ। उसके इरादे खौफनाक थे। इससे पहले कि उस गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद लड़कियां कुछ समझ पाती, हॉस्टल का गार्ड लड़की के वेश में वहां पहुंचे कातिल के इरादे को भांप पाता, उस हॉस्टल में चीख पुकार मच गई। कातिल ने बैग से चाकू निकाला और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही वेटनरी कॉलेज की छात्रा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एक के बाद एक चाकू के कई वार से छात्रा मौके पर ही गिर पड़ी, फर्श खून से लाल हो गई। और इसके पहले लड़की को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गर्ल्स हॉस्टल में कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात हुई बीकानेर के वेटनरी कॉलेज में। तब एक छात्रा है, दोनों क्लास फेलो थे, छात्र नकली भेष बना के लड़की के कमरे में घुस गया और उसको मार दिया गया। उसको लड़का भी अपने हाथ की नसें काट ली, हॉस्पिटल एडमिट है। लड़के के बैग में पुलिस को तेजाब की बोतल भी मिली है। जाहिर था कातिल पूरी तैयारी के साथ आया था और उसका मकसद हर हाल में लड़की की जिंदगी को खत्म करना था। इस वारदात के बाद लड़की के वेश में गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे लड़के ने भी हाथ का नस काट कर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन उसकी जिंदगी बच गई और अब उसका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। कातिल ने जिस लड़की को अपने चाकू का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया उसकी उम्र महज 20 साल बताई जा रही है और वो वेटनरी कॉलेज में पहले साल की छात्रा थी। वेटनरी कॉलेज के छात्र ने कत्ल की इस वारदात को क्यों अंजाम दिया, आखिर वो क्यों कातिल बन बैठा, पुलिस अब इसकी तहकीकात में लगी है। लेकिन पुलिस पहली नजर में सारे वारदात को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है। प्रेम प्रसंग की ही बात सामने आ रही है, दोनों ने आपस में प्रेम प्रसंग और ये घटना। जिस तरह से उसी वेटनरी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र ने कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए लड़की के कपड़े पहनकर गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हुआ और जिस खौफनाक अंदाज में उसने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया उसे सुनकर इलाके के लोग सन्न हैं।